रॉयल ट्विंकल स्टार की लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, नवभारत टाइम्स में ये एक बड़ी खबर आपके लिए आई है। आइए दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप वीडियो पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त सेवी विभाग ने आपकी पैसे देने के लिए जो इस कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचने का रूपरेखा तैयार की है, चलिए उस पर आज आपको हम बताते हैं कि पूरी खबर क्या है जो नवभारत टाइम्स में हमारे पास आई है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई आपकी कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ पहुंच सके सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। नई दिल्ली 3 जनवरी, पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 23 जनवरी को रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब लिमिटेड साइट्रिक्स चेक इंस लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी करेगा। इस नीलामी का मकसद टाइम शेयर अवकाश भ्रमण योजनाओं के नाम पर निवेशकों को धोखा देकर जुटाए गए धन की वसूली करना है। नियामक ने शुक्रवार को एक नोटिस में कहा कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया है। कंपनी की मुंबई, बेंगलोर और केरल में संपत्तियों की नीलामी 23 जनवरी को की जाएगी। मुंबई ने लोअर परेल की संपत्तियों की 25.6 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर नीलाम की जाएगी, जबकि लोनावाला संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य 35.25 करोड़ रुपये है। बेंगलोर और अलप्पुझा केरल की संपत्ति की आरक्षित कीमत क्रमशः 32 करोड़ रुपये और 15.3 करोड़ रुपये है। दिसंबर 2018 में सेबी ने अपने आदेश का पालन न करने के लिए साइट्रिक्स चेक इन और उसके निदेशकों पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जहाँ सेबी ने उन्हें जनता से धन जुटाने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, आज की बड़ी डेट बस यही है और इसके बाद जो भी आपकी न्यूज़ आएगी दोस्तों आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको हमारी न्यूज़ मिल सके, नहीं तो दोस्तों न्यूज़ का पता नहीं चलता, न्यूज़ चली जाती है पर आपका हाथ नहीं लगती। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपसे ये बताने की प्रक्रिया को कि इस टाइम सेवी विभाग ने जो आपके पैसे देने के लिए 23 जनवरी को नीलामी संपत्ति की करनी शुरू की है, उसके आधार पर आपका पैसा ऑनलाइन प्रोसीजर से देने की एक बड़ी प्रक्रिया चालू होने वाली है। तो दोस्तों बिल्कुल खुश हो जाइए क्योंकि आपका पैसा बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ये विलम्ब जो चल रहा है ये केवल संपत्तियों के बेचने की ऊपर चल रहा था, जो 23 जनवरी को पूरा हो जाएगा और जहाँ पर भी आपके पैसे देने की बात है तो दोस्तों आपका पैसा बहुत जल्द मिलेगा, इस बात की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय।